हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ में पाक पत्रकार के द्वारा भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनके आतंक पर और जम्मू कश्मीर रिलेटेड सवाल पूछा गया था। तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं तंज कसते हुए पूछा कि गलत मंत्री से सवाल पूछ लिया, आप मेरे से सवाल नहीं पूछना चाहिए था। और आतंकवाद को लेकर तो ऐसा जवाब दिया कि पाक पत्रकार और पूर्व पाकिस्तानी को एक तरह से बेइज्जती पूरे वर्ल्ड में हो गई है। आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है और जो एस जयशंकर साहब के द्वारा क्या बोला गया और पाक मीडिया के द्वारा क्या सवाल पूछा गया था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लेते हैं, ये बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। गलत मंत्री से पूछ लिया सवाल, अपने नेताओं से पूछे कब खत्म करेंगे आतंकवाद, पाक पत्रकार के सवाल पर जयशंकर साहब ने ये जवाब दिया था। आप लोग बता दूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म पर समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगा दी है। यही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो न्यूज के एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आखिर दक्षिण एशिया में कब आतंकवाद और युद्ध के हालत खत्म होंगे। इस पर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पत्रकार तंज भरे अंदाज में कहा, आपने गलत मंत्री से सवाल पूछ लिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद कब खत्म होगा तो आपको पाकिस्तान के मंत्रियों से पूछना चाहिए, वे ही बताएंगे पाकिस्तान कब से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद कर देगा। यानी सीधे सीधे पाकिस्तान को आतंकवाद का बढ़ावा देने वाला देश को संबोधित किया गया उनके भाषणों के द्वारा, उनके सवालों के द्वारा। और साथ साथ उनके द्वारा यह भी बोला गया, यह जयशंकर ने कहा, आपने गलत मंत्री से सवाल पूछ लिया, यह तो पाकिस्तान के मंत्री ही बता पाएंगे कब तक उनको देश में आतंकवाद बढ़ावा देना रहेगा। उन्होंने खरी खरी कहते हुए कहा कि दुनिया मूर्ख नहीं है, वह भी कुछ भी भूलती नहीं है। मेरी सलाह पर पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी की तरह से रहे और आतंकवाद को बढ़ावा देना जैसी चीज़ों से बचे। दुनिया अब उन देशों को पहचान रही है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप इस मामले में छिप नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि आप चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को यह संदेश चला जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश जरूर चला जाएगा, आप इन्हें दिखाना चाहती हैं तो। साथ साथ उनके द्वारा ये भी बताया गया कि पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का स्पॉन्सर, जमकर लगाई क्लास, किसके द्वारा है, जयशंकर साहब के द्वारा। यही नहीं, सुरक्षा परिषद में अपने संबोधन में जयशंकर ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि आज भी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां आतंकवादी संगठनों का नेटवर्क जिंदा है, हमें आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को पहचानना होगा। यही नहीं, जयशंकर ने आतंकवादियों के खिलाफ प्रस्ताव रोकने वाले चीन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को एक नज़र से देखना होगा, उसके बचाव में कोई भी तर्क नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि आतंकवाद समेत तमाम मसलों पर यह जयशंकर मुखर होकर बोलते हुए नजर आए। साथ साथ यूएनसी पर विस्तार पर खास रहे सख्त रहे जयशंकर, यानी यूएनसीसी का आप लोग पता है विस्तार होने वाला है, इस पर जयशंकर सर बहुत सख्त टिप्पणी नजर आई है। गौरतलब है कि दिसंबर महीने भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की प्रेसिडेंसी में ही काउंटर टेररिज्म पर समिट आयोजन हुआ। बता दें कि हाल ही में एस जयशंकर सुरक्षा परिषद के विस्तार को ही मांग की थी। उन्होंने कहा कि भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देश की सुरक्षा परिषद में भी एंट्री मिलनी चाहिए। इन देशों की एंट्री दिए बिना उनके बारे में फैसले नहीं लिए जाना चाहिए। यानी कोई भी देश उस सुरक्षा परिषद में है ही नहीं, न अध्यक्ष है न सदस्य है, तो उस देशों के बारे में आप कैसे फैसले ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी है एस जयशंकर साहब। इसके ऊपर आप लोग क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।